जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर दोनों गेम्स ही प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों जगह से रिमूव कर दिए गए हैं। अब इसका कोई मेन रीज़न तो बता नहीं है करीना फ्री फायर ने, पर अगर आप अपने प्ले स्टोर से करीना फ्री फायर को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने खोल लिया प्ले स्टोर और फ्री फायर को सर्च कर लिया, पर कोई रिजल्ट नहीं। अब पेज को भी खोल लेते हैं, पर पेज में भी फ्री फायर नहीं दिखा रहा। तो हाँ, फ्री फायर कम्प्लीटली प्ले स्टोर से रिमूव हो चुका है, इसमें कोई भी शक नहीं है। पर फ्री फायर मैक्स अभी भी थोड़ी देर के लिए अवेलेबल है, और मैं कह सकता हूँ कि वो भी कुछ ही देर में रिमूव कर दिया जाएगा। तो ऐसा होने का रीज़न क्या है? तो 2017 में क्राफ्टन ने एक केस किया था गरीना पर, जिसका कोई भी मतलब कोई भी फल नहीं हुआ था, या फिर गरीना को कोई भी लॉस नहीं हुआ था तब के टाइम पर। पर अभी कुछ दिनों पहले वो केस फिर से चालू हुआ, और शायद गरीना उसमें हार गई होगी, इस वजह से गरीना ने फ्री फायर को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से रिमूव करवा दी। तो केस था इस बारे में कि फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स ने पबजी BGMI और पबजी PC से बहुत सारे फीचर्स को कॉपी किया है, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए, या फिर वो फ्री फायर को बंद करवा देंगे। तो इस केस का कोई रिजल्ट तो नहीं निकला था 2017 में, पर अब शायद उसका रिजल्ट निकल चुका है। और कल रात एक ग्लिच के चलते अगर आप फ्री फायर को क्रोम से एक्सेस करते तो आप उसे डाउनलोड कर सकते थे, पर आज वो ग्लिच भी काम नहीं कर रहा। तो इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि क्राफ्टन ने करीना पर केस किया था, जो मैंने आपको बता दिया। इसके और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि अगर फ्री फायर पर कोई बग दिखा तो गरीना ने उसे रिमूव कर दिया होगा। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि गरीना फ्री फायर से बहुत ज़्यादा पैसे कमा चुका है, जिस वजह से गरीना बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, और फ्री फायर भी बहुत कोई छोटा मोटा गेम बन के नहीं रह गया है। तो अगर फ्रेंड्स की डिमांड रहे तो फ्री फायर प्ले स्टोर में वापस आ सकता है। तो यही थी आज की न्यूज़। अगर आपको ऐसे ही गेमिंग न्यूज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।